अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग तो आज की इस वीडियो में हम कुछ वन वर्ड सब्जी करने वाले हैं जो कि जो हाई दूसरा तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पेपर अब आने वाला है पी ने टेस्ट शुरू कर दिए हैं तो उसके लिए वो इंग्लिश के पोर्शन में लाजमी पूछेगा तो वन वर्ड सब्जी कुछ इंपॉर्टेंट इकट्ठे किए हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है इफ़ योर टीचर आस्क यू टू राइट योर मॉनिकर एट द टॉप ऑफ योर टेस्ट वट आर दे आस्किंग यू टू राइट अगर आपका टीचर आपसे कहे कि आप अपना मोनिकर लिखें तो क्या होगा मोनिकर इसको सही जवाब है अब मोनिकर इज़ अ निक नेम नेम टाइटल टैग और एनी वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ ठीक हो गया ये कोई नेम हो सकता है जो शिनाख्त के लिए या निक नेम हो सकता है या कोई टैग हो सकता है जो यूज करता है क्वेश्चन नंबर टू ब्राइन गॉड इन ट्रबल फॉर जॉन्किंग माइक ब्राइन ने माइक को जोंग किया ठीक है माइक इन दॉगेन नॉगेन में व्हाट्स अनदर वर्ड फॉर जोंक उसने जोंक का मतलब पूछा है कि ब्राइन जो है उसने माइक माइक को जोंग किया तो जोंग का मतलब बताए जोंग का मतलब है टू हिट समवन वेरी हार्ड जोंकिंग करना किसी को बड़ी जोर से मारना ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री माइक्स नॉगेन वाज सोर आफ्टर गेटिंग जोंग व्हाट्स अ नॉगेन अच्छा जब उसको हिट किया उसको जोंक किया ब्रायन ने तो माइक की जो नोगिन थी वो सॉलो हो गई वो शोर होगी उसके बाद तो नोगिन क्या चीज है इसका सही जवाब है हेड ह्यूमन हेड को नोगिन कहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर एवरीबडी हर्ड अबाउट द इंसिडेंट बिकॉज ब्रायन इज अ फ्लिबर्टिजिबेट ठीक है वट्स अनदर वर्ड फॉर फ्लिबर सब ने यह मामला सुना क्योंकि ब्रायन एक फ्लिपर फ्लिपर्टिबेट है फ्लिबर टिजीबेट का उसने मतलब पूछा है हमसे तो इसका सही जवाब है चैटरबॉक्स है ठीक है एक फीमेल फूल है एक बेवकूफ ठीक है डाफ बंदा है चैटरबॉक्स बकवास बंदा है ओके वो हर किसी को कोई भी बात उसके दिल में नहीं रहती सब बातें बता सकता है ओके क्वेश्चन नंबर फाइव ऑल वर डिसक्यूलेटेड वेन दे हर्ड ब्राइन जॉकड माइक इन दॉग इन ओके ऑल द एडल्ट व डिसकम्बाब्यूलेटेड अब उसने डिसकम्बाब्युलेटेड का मतलब पूछा इसका मतलब है कन्फ्यूज डिसकम्बाबुलेट करना किसी को कन्फ्यूज करना उसको परप्लेक्स कर देना ठीक है उसको जनाब पजल कर देना डिसकम्बाब्यूलेट का मतलब है कन्फ्यूज करना क्वेश्चन नंबर सिक्स ओलिवियज एज योर कार लुक्ड इनविजिबल अगेंस्ट द बैक टॉप ऑफ द स्काई वट कलर इज एज योर अच्छा एजियोर एक कलर है इसका पूछा गया कि ये कौन सा कलर है तो सही जवाब है ब्लू कलर ब्लू कलर जो है इसको एजियोर भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन हारमोनी मेलोडी एंड रिदम कैन टर्न ए कैकोफोनी इंटू म्यूजिक वट इज़ कैकोफोनी कैकोफोनी क्या चीज है ये वर्ड अक्सर डॉन में यूज़ होता है कैकोफोनी तो उसका सही जवाब है नॉइज़ शोर या कोमोशन ठीक है कोमोशन तो नहीं लेकिन नॉइज़ आप कह सकते हैं कैकोफोनी शोर क्वेश्चन नंबर एट द बॉस डिडंट थिंक द टीम डिड अ गुड जॉब शी थॉट दे डिड अ स्पलेंडिफ्रेश जॉब वट द स्पलेंडिफ्रेस मीन्स बॉस ने कहा कि जी आपने सिर्फ अच्छी जॉब नहीं की बल्कि एक स्पलेंडिफ्रेस जॉब की है स्पलेंडिफ्रेस का मतलब क्या इसका सही जवाब है मैग्निफिशेंट जॉब बहुत आला ठीक है बहुत आला ओके क्वेश्चन नंबर नाइन है जेसिका वॉज फ्लेबर गेस्टेड वेन शी वाश हर डॉग यूज दूम एंड फ्लश दट वॉट हैपन टू जेसिका जेसिका तो हैरान रहेगी जैसे ही उसके डॉग ने वॉशरूम यूज किया और उसे फ्लश भी कर दिया फ्लेबर गेस्टेड इसका मतलब है शी गॉट एस्टोनिश्ड शी वॉज थंडरस्ट वो हैरान रहेगी शी गॉट एस्टोनिश्ड ओके शी वॉज अमेज शी वॉज अमेज शी वॉज बी बिल्डर्ड शी वॉज फ्लेबर गेस्टेड क्वेश्चन नंबर टेन

Cornucopia क्या चीज है ये अब पूछा गया इसका सही जवाब है ठीक है लैटिन कॉर्नोकोपिया मींस हॉर्न ऑफ पेलेंटी ठीक है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है हॉर्न ऑफ पेलेंटी मतलब किसी चीज की कसरत पैदा करना एबंडेंस पैदा करना ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व किरफफल हा, हा, हा होला बालू एंड पेंडिमोनीयम आर ऑल वर्ड्स फॉर वाट ये चारों वर्ड जो उसने यूज़ किए हैं कैरफल बर्फ हा, हा हु होला बालू एंड पैंडमोनीम ये चारों वर्ड्स ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं तो सही जवाब है कमोशन के लिए हंगामे के लिए ठीक है जो कई केटिक सिचुएशन है उसके लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन ग्रे सॉरी गैरी गॉट इन ट्रबल एट द कंपनी पार्टी फॉर टेकिंग ए गारैं स्लाइस ऑफ केक

वट्स अनदर वर्ड फॉर ड्रैकोनियन ड्रैकोनियन वर्ड अक्सर यूज़ होता है ड्रैकोनियन लॉज और ड्रैकोनियन रूल्स तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइब्रेरियन के जो ड्रैकोनियन रूल्स थे उसकी वजह से हर कोई डरता था लाइब्रेरी में एंटर होने से तो इसका सही जवाब है ये तो गलत है लेकिन ड्रैकोनियन का मतलब है कि बहुत जो मतलब सख्त किस्म के कानून सख्त किस्म के लॉज हैं जो बिल्कुल भी नरम नहीं है और लोगों की जान को उन्होंने अजाब किया हुआ है उनको आप कह सकते हैं कि वो ड्रैकोनियन हो सकते हैं और सख्त हैं ठीक है बहुत ज़्यादा सख्त हैं दे आर नॉट लीनियंट एट ऑल बल्कि वो लोगों पे एक तरह का जुल्म है ओके ये फॉर गिविंग तो पिछला है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द बैड गाय वोर ए ब्लैक सूट एंड ए ड्रैगन्स ब्लड टाई वाट कलर इज ड्रैगन ब्लड ड्रैगन्स ब्लड टाई जो है ये कौन सा कलर है मतलब ड्रैगन्स ब्लड ये कौन सा कलर है ये वाला तो सही जवाब है रेड कलर ड्रैगन्स ब्रेड ब्लड कलर इज अ रेड कलर तो इसका मतलब ट्रंप को जो ड्रैगन ब्लड टाई थी वो ज्यादा पसंद थी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अलजबरा नोट्स काइली स्पेंट द दर क्लास डूडलिंग इन इज नोटबुक व्हाट वाज काइल डूइंग सॉरी काइल जो कायल था वो डूडलिंग कर रहा था डूडलिंग इसका मतलब क्या है अपनी नोटबुक में नोटबुक में डूडलिंग कर रहा था मतलब नोटबुक में क्या कर रहा कुछ टाइपिंग के बारे में बात हो रही है लिखने के बारे में बात हो रही है तो उसका सही जवाब है स्क्रिबलिंग कर रहा था ठीक है स्क्रिबलिंग करना अपने नोटबुक में लिखना कोई भी चीज़ ऐसे करके जिसे कहते हैं गलत मतलब तेजी में लिखना उसे स्क्रिबलिंग करना कहते हैं डूडलिंग भी कहते हैं उसे ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन दी न्यूली वेड्स वर एक्साइटेड टू बाई अ हाउस वट दे बिकेम डिसअपॉइंटेड वेन द रियल इस्टेट एजेंट ट्राई टू सेल देमच ऑफ बैलोनी इन स्टेड वट इज़ ए बैलोनी बैलोनी क्या चीज़ है जी बैलोनी का मतलब पूछा गया इसका सही जवाब है नॉन सेंस या मुगालता ठीक है जो वो कह रहा है न्यूली वेड जो नया शादी शुदा जोड़ा था वो बड़े एक्साइटेड थे नया घर हासिल करने के लिए लेकिन रियल इस्टेट वाला एजेंट जो था वो उनको बैलोनी बेच रहा था मतलब मुगालता दे रहा था गलत उनको वो बेवकूफ़ बना रहा था ड्यूपिंग कर रहा उनको क्वेश्चन नंबर 19 एवा हैड एन एपिफेनी व्हेन शी स्क्रोलड थ्रू हर फोटोज एंड सॉ द आंसर हैड बीन देयर ऑल अलोंग व्हाट्स अनदर वर्ड फॉर एपिफेनी एपिफेनी का मतलब पूछा गया तो सही जवाब है इसका रेवोल्यूशन ठीक है रेवोल्यूशन का मतलब है कोई चीज जो पहले ही आपको पता चल जाए रेवोल्यूशन एपिफेनी फॉर फॉर थॉट ठीक है आपको पहले ही पता चल गई कोई चीज क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके हैं जॉन्ट का मतलब है जोर से हिट करना और नॉगेन का मतलब है्यूमन हेड अब उसने पूछा है कि वो लड़े क्यों थे क्योंकि निन्कम पूप कहा था किसने माइक ने ब्राइन को निनकम पूप का क्या मतलब है इसका सही जवाब है फूल या इम्बिसल पर्सन ठीक है कोई बेवकूफ बंदा बिल्कुल ब्रेनलेस बुलेट हेड हेड नकल ये फूल या ठीक है उसे हम निनकम पूप कहते हैं क्वेश्चन नंबर अनदर वर्ड फॉर अ न्यू यॉर्कर एक न्यू यॉर्कर के लिए एक और वर्ड क्या यूज किया जाता है जो न्यू न्यू यॉर्क री इसका सही जवाब है निकर बॉकर निकर बॉकर एक ऐसा शख्स जो कि नी से ऊपर की ट्राउजर्स पहनता हो मतलब शॉर्ट्स ठीक है तो उसे निकर बॉकर या न्यू यॉर्कर कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑल दैट कुड भी हर्ड एट टेस्ट टाइम वॉज बॉर्बी बॉर्बो रिगमस ऑफ ए हंगरी स्टूडेंट इन द बैक ऑफ द क्लास वट कुड भी हर्ड बॉर्बो रिगमस जो है ये वर्ड पूछा गया है कि एग्जाम के, के दौरान एक स्टूडेंट बॉर्बो रिगमस करता हुआ सुनाई दिया जा सकता था एट द बैक ऑफ द क्लास उसका मतलब क्या है इसका मतलब है ग्रम्बलिंग करना चीख ना पुकारना क्योंकि वह भूख में था तो वो चीख पुकार रहा था किसकी वजह से भूख की वजह से ठीक है तो बॉर्बो क्रिमस या बॉर्बी ग्रैमी कर रहा था वो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दी हाई स्कूल सीनियर्स डिड नॉट थिंक दे कुड गेट इन ट्रबल फॉर देयर बट प्रिंसिपल अदरवाइज वट आर शीनिगन का पूछा गया है कि शीनैनी क्या है और शीनैनी कहते हैं शरारतों को या हंगामों को ठीक है हाई स्कूल के जो सीनियर थे वो नहीं सोच रहे थे कि वो किसी मुसीबत में आ सकती हैं अपनी शरारतों या गलतियों की वजह से ठीक है तो शनैानी का मतलब है हंगामा करना शरारती करना क्वेश्चन हाँ प्रैंक्स मिस या डेवलपमेंट प्रैंक्स हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द प्रोफेसर लेक्चर ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी लेफ्ट द क्लास नॉन प्लस प्रोफेसर ने जो लेक्चर दिया किस चीज़ के ऊपर इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी इट लेफ्ट ऑल क्लास नॉन प्लस वट डज नॉन प्लस मीन नॉन प्लस का मतलब क्या है तो सही ठीक है, confused, है? Confused, perplexed, और परेशान ठीक है सीइंग अ स्वार्म ऑफ वन मिलियन बीज व्हाट्स अनदर वर्ड फॉर बॉम्बी अच्छा जब एंथनी ने एक मिलियन बीज को देखा तो बॉम्बी नेटिंग आवाज उसने सुनी बॉम्बी नेटिंग क्या होता है तो इसका सही जवाब है बस करना या बिन बिराना जब आप मक्खियों के छत्ते को देखते हैं तो वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही होती है ठीक है वो सबसे बिजी प्लेस होती है क्योंकि वहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पे बॉम्बिनेटिंग हो रही है किस चीज़ की बिन बिरा रही हैं बजिंग हो रही है वहाँ पर मक्खियों के जो विंग्स हैं उनकी वजह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हाउस वॉज एडोन्ड विद फैंटूश डेकोर द गेस्ट्स अफ्रेड टू टच वाट्स अनदर वर्ड फॉर फैंटूश फेंटोश जो है वो उनके बड़े जबरदस्त जो चीजें हैं उनके साथ घर को सजाया गया था जो मेहमान आए हुए थे वो डर रहे थे फैंटोस चीजों को टच करने से भी तो फैंटोस क्या चीज है इसका जवाब है फैंसी और महंगी चीजें ठीक है फैंटोश वर्ड फैंसी के लिए यूज होता है फैंटोश क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग आंसर डायरेक्टली ही यूज द बंच ऑफ हाई फेल्यूटिन टॉक दैट लेफ्ट एवरी वन नॉन प्लस वट डज हाई फेल्यूटिन मीन्स अच्छा हाई फेल्यूटन की बेस्ट एग्जाम्पल है जो इस मरतबा सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन में उसने सिनोने ने पूछे हैं तो हाई फेल्यूटन क्या मतलब है पम्पस या ग्रैंडियोस ठीक है अब ऐसी वर्डिंग पूछी है जो कि आम लैंग्वेज में यूज़ नहीं होती है वो बड़ी हाईली पम्पस और ग्रैंडियोस लैंग्वेज है हाई फल्यूटिन वर्ड्स हैं बहुत हाई क्वालिटी हाई वोल्टेज वर्ड्स हैं उनको आप कहते हैं कि हाई फैल्यूटिन लैंग्वेज यूज़ हो रही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इट्स नेवर ए गुड आइडिया टू वियर सार्कोलिन क्लॉज टू अ फॉर्मल इवेंट व्हाट कलर इज सार्कोलिन अच्छा सार्कोलिन क्लॉथ्स आप नहीं पहन सकते एक फॉर्मल इवेंट के लिए फॉर्मल इवेंट जैसे कि कोई शादी ब्याह ऐसी कोई तकरीबात है ठीक है तब आप सार्कोलिन नहीं पहन सकते तो सार्कोलिन कलर कौन सा है ये फ्लैश कलर है ठीक है जैसा कि हमारे जिसम का कलर होता है गोश्त का कलर होता है उस कलर का जो है सार्कोलिन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इंस्टेड ऑफ हिज फ्रेंड्स इन मियामी विल डिसाइडेड टू स्पेंड हिस्ट वेकेशन इन सोल्टीट्यूट वेर इज सीट्यूट अच्छा उसने बिल ने डिसाइड किया कि वो मियामी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय करने के बजाय सोल्टीच्यूड में वेकेशन गुजारेगा तो सोल्टीच्यूड का मतलब है अकेलापन अलोन रिक्लूसिवनेस ठीक है सॉलिट्री सॉलिट्री ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी द ऑडिटोरियम्स वोमिटोरियम वॉज ब्लॉक्ड बाई अ क्राउड ऑफ पीपल वट इज़ ए वोमिटोरियम अच्छा वॉमिटोरियम जो था वो ऑडिटोरियम का ब्लॉक था जिसकी वजह से क्राउड ऑफ पीपल की वजह से तो अब उसने सवाल किया है कि व्हाट इज और व्हाट व्हाट वाज ए वॉमिटोरियम वॉमिटोरियम क्या चीज है इसका मतलब है एंट्रेंस किसी भी चीज का जो داخلي रास्ता है उसे वॉमिटोरियम कहते हैं और वॉमिटोरियम जो था वो ब्लॉक्ड था क्राउड ऑफ पीपल की वजह से ठीक है और आज की जो वीडियो है इसमें हमने 30 आ, 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 वन वर्ड सब्सिचुएशन किए हैं उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ आए होंगे और ऐसी मजीद वीडियोज़ आती रहेंगी कि काइंडली आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़